नाउ व्हाट हैपेंड जब वोमेन कैप्सूल ग्लोमुलर्स ग्लोमुलर्स के थ्रू जब एक ब्लड आता है हाई प्रेशर के साथ आ रहा है इट इज अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन व्हिच मींस कि ब्लड इज बीइंग फिल्टर्ड विद हाई प्रेशर. आफ्टर दैट द व्हेन द फिल्ट्रेट इज कलेक्टेड फिल्ट्रेट में क्या क्या चीज आ जाएगी आपका यूरिया आ गया वॉटर आ गया एंड देन एक्स्ट्रा सॉल्ट वो सारे वोमेन कैप्सूल से होते हुए दे विल मूव टूवर्ड्स पीसीटी लूप ऑफ हिनले एंड डीसीटी फॉर वाटर रीअब्सॉर्प्शन. जितना वाटर रीअब्सॉर्ब हो सकता है वो हमारी जो ये नेफ्रॉन है वो रीअब्सॉर्ब कर लेता है. आफ्टर दैट द डीसीटी इज कनेक्टेड टू कलेक्टिंग डक्ट एंड कलेक्टिंग डक्ट विल पुश दैट यूरिन इन टू द यूरिटर एंड यूरिटर विल मूव दैट यूरिन टूवर्ड्स यूरिनरी ब्लैडर. और ये जो आर्ट्रियोल था तो यहाँ से इफरेंट आर्ट्रियोल देन इमर्ज आउट होते हैं और वो इफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो आपका ब्लड जो है वो वेन में पुट कर देते हैं रीनल वेन में और रीनल वेन आपका ब्लड टुवर्ड्स हार्ट ले जाए. क्लियर है? ठीक है चलो अब आगे देखते हैं नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर जैसे हमने अभी बात की तो हम थोड़ा सा इसके बारे में थ्योरी पढ़ लेते हैं. अभी नेफ्रॉन में बेसिक आपके दो मेन स्ट्रक्चर हम इसको डिवाइड अप करते हैं. वन इज योर वोमेन कैप्सूल ये वन एंड पे है और ट्यूब्यूल आपका लोअर एंड पे. एक एंड जो है ट्यूब्यूल का ये देखो जैसे मैंने आप ये आपका ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर है पूरा और ये आपका वोमेन कैप्सूल है. ठीक है शीतल? अब ये एक एंड ट्यूब्यूल का वोमेन कैप्सूल से जुड़ा हुआ है और एक एंड ये देखो कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ा हुआ है. इज इट क्लियर? पता लगा बनन आपको पता लगा बेटा? ये देखो एक एंड ऑफ ट्यूब्यूल ये वोमेन कैप्सूल से जुड़ा हुआ है और एक एंड ये देखो यहाँ से जुड़ा हुआ है. ठीक हो गया? ठीक है दीपांशु जी. चलिए अब क्या हो रहा है जब वोमेन कैप्सूल में जैसे मैंने आपको बताया ग्लोमेरुलस था उसमें भी ये होता है क्योंकि नेचुरली एक गुच्छा है तो गुच्छे का एक एंड स्टार्टिंग होगा एक एंड लास्ट एंड होगा. सो एक एंड जो है वो रीनल आर्टरी से अटैच्ड होता है और एक एंड रीनल वेन से अटैच होता है. तो रीनल आर्टरी जो ब्लड लेके आ रही है इट इज फुल ऑफ यूरिया लेकिन जो रीनल वेन बाहर लेके निकलेगी वो फ्री ऑफ यूरिया होता है. सो दिस विल एक्ट एज द फिल्टर. ग्लोमेरुलस जो है वो आपका फिल्टर की तरह एक्ट करता है. आफ्टर दैट जो ट्यूबुलर नेफ्रॉन है जो हमारी वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था वो काम क्या कर रहा है वो सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब कर रहा है पानी को. मैंने आपको बताया वाटर रीअब्सॉर्प्शन इज रियली इंपॉर्टेंट. तो अगर कोई सॉल्ट कोई वाटर कोई एक्स्ट्रा चीज जा रही है तो वो हमारी बॉडी उसको दोबारा से रीअब्सॉर्ब कर लेती है. अब देखो समटाइम्स इट हैपेंस कि आपका जो एक्सेसरी ऑर्गन है वो अच्छे से काम नहीं करेंगे. द केस विल बी टर्म्ड एज रीनल फेलियर. ठीक है जो रीनल सिस्टम है पूरा ये काम ही नहीं कर रहा है आपका. अब ये क्यों हो सकता है? नंबर वन इज योर इन्फेक्शन. कोई भी इन्फेक्शन हो जाए इन्फेक्शन कोई भी का मतलब है कि पर्टिकुलरली किडनीज की और वहाँ जो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वहाँ की इन्फेक्शन हो जाए. कोई इंजरी हो जाए आपकी रोड साइड मतलब किसी को भी ऑर्गेनिज्म में अगर कोई रोड साइड एक्सीडेंट होता है वहाँ पे कोई चोट लग जाती है देर इज डैमेज टू ईदर यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर और किडनीज तो उस वजह से हो जाता है. इफ द पर्सन हैज गॉट वेरी हाई बीपी ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा है तब ये दिक्कत काफी कॉमन है. तब किडनीज पे सीधा इफेक्ट पड़ता है क्योंकि ऑलरेडी पहले ही ब्लड जो है काफी प्रेशर के साथ आ रहा है और वहां पे हम और प्रेशर डालते हैं क्योंकि जो ग्लोमेरुलस है वो तो अपना काम करेगा. सो इस वजह से क्या है कि किडनीज के ऊपर बहुत बहुत लोड पड़ता है और वो उनमें रीनल फेलियर होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं. इसी तरह से जो पेशेंट्स जिनके अंदर शुगर बहुत ज्यादा होती है डायबिटिक पेशेंट्स उनमें ये प्रॉब्लम काफी देखी जाती है. या समटाइम्स इट हैपेंस कि आपके जो मतलब कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें ब्लड के अंदर क्लॉट्स आ जाते हैं या देयर इज रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो मतलब जो ब्लड फ्लो है ना वो या तो रुका हुआ है या बहुत धीरे आ रहा है तो उस केस में भी किडनी के ऊपर काफी लोड पड़ता है तो तब उसके फेलियर होने के चांसेस काफी रहते हैं. बेस्ट सोल्यूशन होता है सिंपल सोल्यूशन है आप किडनी को ट्रांसप्लांट कर दो आप किडनी बदल दो. ठीक है बट ऑब्वियसली हाँ जी डायलिसिस हाँ जी वो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद बिकॉज किडनी ट्रांसप्लांट एक तो बेटा ये रहता है कि आपको किडनी आपको आपकी बॉडी वो एक्सेप्ट करनी चाहिए रेसिपिएंट होनी चाहिए. नंबर टू इट्स अ वेरी कॉस्टली अफेयर एवरीवन कैन नॉट मतलब इसको आप हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता. सो इसका अगर वो पॉसिबल नहीं है जैसे सपोज अगर पेशेंट की शुगर बहुत ज्यादा है तब भी आप किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हो तो उस केस में आप डायलिसिस के लिए जा सकते हो. और पेशेंट जो है वो क्योंकि देखो आपको अपने ब्लड को साफ तो करवाना ही पड़ेगा अदरवाइज क्या होगा जो यूरिया है वो पॉइजनस होता है इट टेंड्स टू एक्युमुलेट इन द बॉडी एंड इट विल लीड टू डीजनरेशन. अब डायलिसिस देखो क्या है इट्स अ प्रोसीजर विच इज यूज टू क्लीन द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग द एरिया मतलब वो क्या कर रहा है यूरिया आएगा यहाँ पे मैंने गलती से ना एरिया लिख दिया दिस वन इज यूरिया. ओके तो वो क्या कर रहा है कि यूरिया को सेपरेट आउट कर देता है ब्लड में से.
क्लियर है? एक सेकेंड, जी अब ब्लड जो है बेटा जब आर्टरी से लिया गया, अब कैसा प्रोसीजर होता है, मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना दिया है, वो फ्लो चार्ट आप ध्यान रख लेना। तो वो फ्लो चार्ट को अगर आप लर्न कर लेते हो तो इजी हो जाता है प्रोसीजर ऑफ डायलिसिस को लर्न करना। सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने आपको बताया रीनल आर्टरी से हम ब्लड लेते हैं, तो यहाँ पे भी हम ब्लड आर्टरी से लेंगे और उसको डायलाइजर में डाल देंगे। अब व्हाट डू मीन बाय डायलाइजर, डायलाइजर होता है ये बहुत बड़ी बड़ी ट्यूब्स का बना होता है, वो जो ट्यूब्स होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब क्या है कुछ चीजों को अलाउ कर रही है मूव करने में और कुछ चीजों को नहीं करती अक्रॉस द मूवमेंट। अब ये जो डायलाइजर है हम इसे एक टैंक में डाल देते हैं, ठीक है। टैंक के अंदर क्या चीज है, डायलाइजिंग सॉल्यूशन, ठीक है। ब्लड लिया आर्टरी से, आर्टरी से ब्लड हमने डायलाइजर में डाला। व्हाट वाज डायलाइजर, डायलाइजर वाज एक्चुअली लॉन्ग ट्यूब्स जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से के मटेरियल से बनी होती है, और वो जो डायलाइजर है वो एक्चुअली एक टैंक में होता है। टैंक जो है दैट कंटेन्स डायलाइजिंग सॉल्यूशन। अब व्हाट इज दिस डायलाइजिंग सॉल्यूशन, वाटर प्लस ग्लूकोज प्लस सॉल्ट्स, क्लियर है। अब फाइनली ये जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन है इसने करना क्या है, इट विल गेट रिड ऑफ दिस यूरिया। अब ये जो क्लीन ब्लड जब ये यूरिया को ले निकाल देता है, फिल्टर आउट कर देता है, तो ये जो क्लीन ब्लड है हम उसको पंप कर देते हैं इनटू द पेशेंट्स वेन, ठीक है, और ये डायलाइजिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है, क्लियर है। ठीक है बेटा, समझ आई दीपांशु? आई थिंक शीतल का कनेक्शन कटा है तो मैं एक मिनट रुक जाती हूँ और वो ज्वाइन करती है तो मैं दोबारा से इसको एक बार रिकॉर्ड करवा दूंगी, आपको रिवाइज करवा दूंगी।